आज रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया में तेल और गैस को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। पर आपको पता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा तेल किस देश में पाया जाता है? तो उस देश का नाम है वेनेजुएला। आप कहेंगे कि मैंने वेनेजुएला का नाम पहली बार सुना है। दरअसल वेनेजुएला में दुनिया का सबसे ज्यादा तेल पाया जाता है, पर वह आज के समय में दुनिया में 1% भी तेल का कंट्रीब्यूशन नहीं देता। पर क्यों, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल बात है 1930, जब पहली बार वेनेजुएला ब्रिटिश के चंगुल से आज़ाद हुआ था। देखिए, यूरोप का एक देश है स्पेन, वहाँ के नागरिक आकर के वेनेजुएला में कब्जा कर करके वहाँ शासन चलाने लगे थे। फिर वेनेजुएला के निवासी अपने साथियों को लेकर के वहाँ आज़ादी का संघर्ष लड़े, जैसे भारत वाले लड़े हैं। वैसे उन्होंने अपने देश वेनेजुएला को ब्रिटिश के चंगुल से आज़ाद कराया, और एक समय वेनेजुएला कतर की मुकाबली करता था, अर्थात दुनिया का सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। इसकी प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे ज़्यादा थी। फिर यह कैसे गरीब हो गया, बस आप इस वीडियो को पूरा देखते जाइएगा, आपको मैं समझाता जाऊंगा। जैसा 1930 में जब से वेनेजुएला आज़ाद हुआ, तब वहाँ सैन्य शासन था, और 1959 में इसमें लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतंत्र की स्थापना में इसने इतना तेल बेचा कि यह दुनिया का सबसे अमीर देशों में गिना जाने लगा। पर यह प्रभावित था रसिया से, और रसिया में समाजवाद चलता था, अर्थात साम्यवाद चलता था। तो वेनेजुएला भी यह चाहता था कि हमारे देश के सभी निवासी समान हो जाएं, मतलब ना कोई अमीर रहे ना गरीब रहे, सब लोग समान में आ जाएं और प्रजा अपने साथ लेकर पूरी प्रजा का राज हो। इसके चलते प्रजा ने अमेरिका की सभी कंपनियों को, अर्थात अमेरिका पूंजीपति कहलाता है, पूंजीवादी शासन कहलाता है, इसलिए अमेरिका के सभी तेल निकालने वाली कंपनियों को अपने देश से मार भगाया। और इस चक्कर में वहाँ अमेरिका की सभी कंपनियाँ चली गईं, चूँकि वेनेजुएला के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वह अपना ही तेल खुद निकाल सके, जिसके कारण वेनेजुएला अब तेल निकालने में असक्षम हो गया, और उसे फिल्टर करना तो और मुश्किल की बात, जिसके कारण अब वेनेजुएला के पास तेल होते हुए भी वह कबाड़ की स्थिति में आ गया। और 2013 से लेकर के 2018 तक वहाँ 13% की महंगाई बढ़ गई। सोचिए, इंडिया में अभी 6% की महंगाई बढ़ने पर RBI बैठक बुला लेती है, और वहाँ 13% की महंगाई बढ़ गई। और 2019 में इसमें सबसे ज़्यादा गरीबी देखी गई। फिर आ गया कोरोना, इनकी रही सही कसर निकल गई। अब अभी चल रहा है 2022, और 2022 में भारत के ऊपर अमेरिका ने फिर से रसिया के तेल लेने पर प्राइस कैप लगाने की बात की है, जिससे भारत के कुछ मंत्री वेनेजुएला गए हैं, और वह कहना चाहते हैं कि हमारी कंपनियाँ आएंगी, आपके यहाँ तेल निकालेंगे यदि आप इजाज़त दे दें तो। यह फोर्थ राउंड की बैठक हो रही है भारत और वेनेजुएला की, और वेनेजुएला वाले बोले हैं कि हम भारत आकर के इस डिसीजन को फाइनल करेंगे। वहीं सऊदी, ओपेक देश और रसिया, कोई भी अमेरिका की बात नहीं मान रहा, तो अमेरिका भी दोबारा वेनेजुएला के पास पहुंच गया है, और वह वेनेजुएला से दोबारा यही प्रस्ताव रखने वाला है कि फिर से हमारी कंपनियों को आपके यहाँ आने दी। वेनेजुएला वाले भी बोले हैं कि देखते हैं क्या होता है, आपको जो आगे मिलेगा आपको बताते चलेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।